वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीष। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर देशवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पीएम केयर फंड को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी की अपील के बाद मदद के लिए हर क्षेत्र से लोग सामने आ रहे हैं। हर कोई इस आपदा में अपना योगदान दे रहा है। कुछ बड़ी हस्तियां भी मदद के लिए सामने आई हैं। ऐसे में कुछ बड़े दानवीरों की लिस्ट आपके सामने है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में किसने कितना किया डोनेट। जब जब देश में कोई बड़ी आपदा आई है, टाटा ग्रुप ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। एक बार फिर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टाटा ग्रुप की ओर से बड़ी मदद का ऐलान किया गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि टाटा सन्स ने अलग से 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इस तरह से टाटा ग्रुप ने कुल मिलाकर 1500 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। वहीं देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र के सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उनकी पत्नी नीता अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस फाउंडेशन ने देश भर में गरीब लोगों को भोजन मुहैया कराने का ऐलान किया है। इसके अलावा कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए एक अस्पताल भी अंबानी की कंपनी तैयार करेगी। मुंबई के सेवन हिल्स हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों का सेंटर तैयार करने का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा आइसोलेशन फैसिलिटी भी वहां तैयार की जाएगी। वहीं ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपनी पूरी सैलरी दान करने का फैसला लिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट को भी अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कही है। यही नहीं, अपनी फैक्ट्रियों में उन्होंने कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए वेंटिलेटर मुहैया करवाने का भी ऐलान किया है। उधर डिजिटल पेमेंट से संबंधित कंपनी पेटीएम ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पेटीएम अध्यक्ष मधुर देवड़ा का कहना है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए सभी राहत कदमों में सरकार की मदद करने, अपना कर्तव्य पूरा करना हमारे लिए एक सम्मान की बात है। इसके अलावा कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने भी पीएम राहत कोष में 100 करोड़ रुपए दान दिए हैं। अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस बड़ी मदद के साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह वह समय है जब देश को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मजदूरों को लेकर मैं चिंतित हूँ, हम अपनी तरफ से मदद की पूरी कोशिश करेंगे। कोरोना की इस जंग में अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी ने भी 100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। अडानी ने यह मदद प्रधानमंत्री के हाल ही में बनाए फंड पीएम केयर्स में देने का ऐलान किया है। वहीं सज्जन जिंदल की कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनका ग्रुप 100 करोड़ रुपए का सीधा डोनेशन पीएम केयर्स फंड में कर रहा है। उधर कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक भी पीछे नहीं हैं। उदय कोटक ने 25 करोड़ रुपए अपनी तरफ से पीएम केयर्स में डोनेट किए हैं, जबकि उनकी बैंक ने भी 25 करोड़ रुपए इस फंड में दान किए हैं। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने 10 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने भी 5 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री और 1 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार के फंड में मदद के रूप में दान किया है। वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देश के सबसे बड़े ब्रांड में से एक टी सीरीज ने भी 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रधानमंत्री फंड में दिया है, जबकि 1 करोड़ रुपए की राशि महाराष्ट्र सरकार को दान दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अपील पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए दान की घोषणा की है। इसके अलावा बाहुबली से चर्चित हुए तेलुगु स्टार प्रभास ने भी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 4 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान किया है, जबकि कॉमेडियन कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। खबरों के मुताबिक सलमान खान लॉकडाउन के बीच करीब 25,000 दिहाड़ी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। हालांकि सलमान ने इस बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। वहीं अमिताभ बच्चन के भी गुप्त दान देने की बातें सोशल मीडिया और मीडिया पर कही जा रही हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन ने बीएमसी वर्कर्स को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करवाने के लिए 20 लाख रुपए डोनेट किए हैं, जबकि वरुण धवन ने कोरोना के जंग जीतने के लिए 55 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने 21 लाख देने की घोषणा की है।
शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि इंसानियत के नाते देश और नागरिकों को हमारी जरूरत है। उधर सभी अर्धसैनिक बलों के कर्मियों ने भी पीएम केयर फंड में 116 करोड़ रुपए दान किए हैं। तो ये थी कोरोना की जंग में पीएम केयर फंड में डोनेशन देने वाले कुछ बड़े लोगों के नाम। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में।